नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में लाइटिंग सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट 2 सेशंस में टाइप ऑफ डिफरेंट लैंप्स का अध्ययन किया था, जिसमें आज के सेशन में हम टाइप ऑफ डिफरेंट लैंप्स में जो रिमेनिंग इसका पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने कॉम्पैक्ट ट्यूब फ्लूरोसेंट ट्यूब लैंप और सोडियम वेपर लैंप का अध्ययन किया था। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें और नोटिफिकेशंस के माध्यम से जो भी लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मरकरी वेपर लैंप। लास्ट सेशन में हमने सोडियम वेपर लैंप का अध्ययन किया था, आज हम मरकरी वेपर लैंप का अध्ययन करेंगे। अगर हम मरकरी वेपर लैंप की बात करें तो अ लैंप दैट कंसिस्ट ऑफ वेपराइज्ड मरकरी टू जनरेट लाइट बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज नोन एज मरकरी वेपर लैंप। जैसे हमने वहां पर क्या किया था, जो हमारा इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा था, वो आर्क क्या करता था, सोडियम जो उसमें सोडियम होता था, उस सोडियम को वो सोडियम वेपर को जो है वो इनर्जाइज करता था। ठीक है, इनर्जाइज करता था और उसकी वजह से आपका एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती थी। यहां पर क्या है कि वही काम आपका जो वेपराइज्ड मरकरी है, ठीक है, वो लाइट को जनरेट करेगा। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा तो मरकरी वेपर लैंप है, जो आपका वेपराइज्ड मरकरी है, वो जो मरकरी वेपर है वो क्या होगा, इनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दिस लैंप डिस्चार्ज गैस व्हेन हीटेड और कूल्ड। ठीक है, यानी ये जो लैंप है, जब इसको हम जब ये गर्म होती है ना, जब ये लैंप जो है गर्म होती है, मीन जब हम उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और उसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, तो उसमें एक हीट जनरेट होती है, उस हीट की वजह से जो आपकी वेपराइज्ड मरकरी है वो डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो दिस लैंप डिस्चार्जेस गैस, तो ये क्या है, गैस को डिस्चार्ज करती है जब ये हीट होती है या ठंडी होती है। द मरकरी विच इज प्रेजेंट इन साइड द ट्यूब इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर विच इज आयनाइज बिफोर जनरेटिंग लाइट। ठीक है, तो जो इसमें जो मरकरी होता है वो जो कि आपका एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब इसमें हाई आर्क प्रोड्यूस होता है और उसमें हीट जनरेट होती है, तो ये क्या होता है, ये इनर्जाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है बिफोर जनरेटिंग लाइट, और आयोनाइज होने के बाद ये एक लाइट प्रोड्यूस करता है। इट्स वेवलेंथ एट लो प्रेशर रेंजेस बिटवीन 184 नैनोमीटर एंड 5253 नैनोमीटर। यानी लो प्रेशर की बात करें, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में, तो 184 नैनोमीटर से लेकर 253 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टंगस्टन विच इज प्लेस टुगेदर इन अ मीडियम कंटेनिंग मरकरी वेपर एंड 20-25 to 50 टोर ऑफ प्योर आर्गन गैस। ठीक है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक जो है अलॉय से मिलकर बना होता है, अलॉय ऑफ टंगस्टन विच इज प्लेस टुगेदर इन अ मीडियम कंटेनिंग मरकरी, यानी एक मीडियम के अंदर रखा जाता है जिसमें मरकरी वेपर भी रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें हमने प्योर आर्गन गैस, ठीक है, लगभग 25 से 50 टोर उसमें हमने गैस भरी हुई है। तो दिस इज दी योर मरकरी वेपर लैम्प। ठीक है, ये मरकरी वेपर लैम्प है, इसमें एक आउटर ग्लास होता है, इसका आउटर बल्ब है, फिर अंदर इसका एक ट्यूब है, एक अंदर आर्क है जिसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, वो ट्यूब है। ठीक है, ये आपका एक ब्लास्ट है। ठीक है, सो दिस इज दी आर्क ट्यूब, ये आर्क ट्यूब है जिसमें आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड आर एंक्लोज इन एन इलेप्टिकली शेप्ड ग्लास ट्यूब मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब में जो कि इलेप्टिकल शेप में होती है, उसमें ये आपका इलेप्टिकली शेप्ड ग्लास ट्यूब है, उसमें आपका सिलिका से मिलकर ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं इस ट्यूब के अंदर। वर्किंग कैसे करेगी, द मरकरी वेपर एंड नियोन गैस पिंक इन कलर, ठीक है, प्रेजेंट इन दी बल्ब रिक्वायर हाई वोल्टेज एट दी स्टार्टिंग टू इल्यूमिनेट लाइट। यानी इसको जलाने के लिए इसमें एक हाई हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड वी कैन ऑब्जर्व दैट दी नियोन गैस विच वॉज ओरिजिनली इन पिंक कलर विल चेंज इन टू ऑरेंज कलर बाई हीटिंग। यानी जो इसमें नियोन गैस है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, जो इसमें नियोन गैस है विच इज वॉज ओरिजिनली इन पिंक कलर विल चेंज इन टू ऑरेंज कलर बाई हीटिंग। ठीक है, जैसे ही ये हीट होती है तो जो नियोन गैस है वो पिंक कलर से आपकी ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती है, जैसे ही इसे हीट मिलती है। तो जब आप इसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं
तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो न्यून गैस जो ओरिजिनली जो शुरू से मतलब स्टार्टिंग से पिंक कलर का था वो आपका ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। इट इज सिमिलर टू अ 100 वॉट ग्लोइंग बल्ब एंड इट टेक्स 5 to 7 मिनट्स टू टर्न ऑन कंप्लीटली। यानी इस मरकरी वेपर लैम्प को लगभग स्टार्ट होने में 5 से 7 मिनट पूर्ण रूप से जलने में इसको लगते हैं, ग्लो होने में, ठीक है। और ये 100 वाट के बल्ब की तरह ही जलती है, लेकिन बस वो आपका एक तेजी से तुरंत जल जाता है, लेकिन ये जो मरकरी वेपर लैम्प है इट टेक्स टाइम 5 to 7 मिनट टू रन टर्न टू अ कंप्लीटली। तो एक तरह से ये टाइम लेता है। अगर इसमें एनर्जी फ्लो डायग्राम देखें तो इसमें विजिबल जो रेडिएशन है वो मात्र 15% है, यूवी रेडिएशन इसमें ज्यादा है वो लगभग 20% है, 15% इंफ्रारेड रेडिएशन है और 50% लॉस बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन है, ठीक है। तो इट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ मरकरी। उसके बाद आता है आपका लास्ट मेटल हेलाइड लैम्प, ठीक है। दिस इज द लास्ट लैम्प फॉर द हाई डिस्चार्ज लैम्प। अ मेटल हेलाइड लैम्प इज एन इलेक्ट्रिकल लैम्प दैट प्रोड्यूस लाइट बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू अ गैसियस मिक्सचर ऑफ वेपराइज्ड मरकरी एंड मेटल हेलाइड। यानी इसमें अंतर क्या आ गया, जो आपकी मरकरी वेपर लैम्प थी, देखिए सोडियम सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, मेटल हेलाइड, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सोडियम वेपर लैम्प में आपने सोडियम को यूज किया था एनर्जाइज करने के लिए, जिससे आपका आपको विजिबल लाइट मिल रहा था। वहीं पर आपने गैस की फॉर्म में दूसरे में मरकरी यूज किया, मरकरी वेपर यूज किया है। अब हम यूज कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ वेपराइज्ड मरकरी एंड मेटल हेलाइड, दोनों के मिक्सचर को हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो कंपाउंड ऑफ मेटल विद ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, जो मेटल है आपकी, जो हेलाइड मेटल है उसमें ब्रोमीन और आयोडीन को आप यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस मेटल हेलाइड के अंदर आप मिक्सचर यूज कर रहे हैं वेपराइज्ड मरकरी का और ब्रोमीन और आयोडीन में से किसी एक मेटल हेलाइड का। इट इज अ टाइप ऑफ हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज लैम्प, तो इसे बोलते हैं हम हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज गैस या डिस्चार्ज लैम्प। मरकरी वेपर लैम्प आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ HID लैम्प। तो जो मरकरी वेपर लैम्प है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प। इट इज डेवलप्ड इन द 1960s, दे आर सिमिलर टू मरकरी वेपर लैम्प बट कंटेन्स एडिशनल मेटल हेलाइड कंपाउंड इन द क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब। यानी कि एक तरह से जो आपकी हेलाइड लैम्प है, मेटल हेलाइड लैम्प है, वो लगभग आपकी मरकरी वेपर लैम्प की तरह ही होती है, लेकिन बस इसमें एक एडिशनल हेलाइड कंपाउंड और ऐड होता है आर्क ट्यूब में, विच इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड कलर वर्जन ऑफ द लाइट, जिसकी वजह से आपकी एक तो लाइट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आपके जो कलर का वर्जन है वो चेंज हो जाता है। द मोस्ट कॉमन मेटल हेलाइड कंपाउंड यूज्ड इज सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड ये जो है आपका यूज होता है। वर्किंग इन अ नट शेल MH मरकरी हाई डिस्चार्ज लैम्प वर्क्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक आर्क गोज थ्रू अ गैसेस मिक्स क्रिएटिंग लाइट, ठीक है। जैसे ही वो गैस जो आपकी मिक्सचर है वो जैसे इनर्जाइज होता है तो वहां से आपकी एक लाइट एमिट होती है। विद अ मेटल हेलाइड लैम्प दैट मिक्स ऑफ गैसेस विल नॉर्मली इंक्लूड मरकरी, जिनोन और आर्गोन, आर्गन एंड अ वेराइटी ऑफ मेटल हेलाइड, ठीक है। इसमें जो मरकरी है, इसमें जो आप नॉर्मली इंक्लूड मरकरी, जिनोन और आर्गन, ये कोई भी ले सकते हैं, एंड वेराइटी ऑफ मेटल हेलाइड में से आप आयोडीन या ब्रोमीन में से कुछ ले सकते हैं। मेटल हेलाइड आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग हेलोजन विद अ मेटल। तो एक तरह से आपने हेलोजन को मेटल के साथ में कंबाइन कर दिया। एडिशनली द टाइप ऑफ मेटल हेलाइड्स यूज हेल्प डिटरमाइन द कलर टेम्परेचर ऑफ द लाइट एमिटेड, ठीक है। जो टाइप ऑफ मेटल हेलाइड है यूज हेल्प डिटरमाइन द कलर टेम्परेचर ऑफ द लाइट एमिटेड। जो लाइट इसमें से निकलती है वो कौन से कलर की होगी, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल हेलाइड। जो मेटल हेलाइड आप उसमें यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइट जो है वो चेंज होती रहती है, कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। देन वी सी द एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर मरकरी वेपर लैम्प। तो अगेन 25% विजिबल रेडिएशन, 5% यूवी रेडिएशन, 20% इंफ्रारेड रेडिएशन और 50% लॉस बाय कंडक्शन एंड बाय कन्वेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लाइटिंग सिस्टम, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ऑलरेडी लाइट एमिटिंग डायोड को फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार हम बहुत रफली इसको जल्दी से देखते हैं। एन LED लैम्प और LED लाइट बल्ब इज एन इलेक्ट्रिक लाइट दैट प्रोड्यूस लाइट यूजिंग लाइट एमिटिंग डायोड। यानी LED जो है आपकी, जिसे आप LED बोलते हैं, वो LED लैम्प जो है वो एक तरह से एक आपका डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसपे जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये डायोड की करेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली।
एलईडी लैंप आर सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी इफिशियंट देन इक्विवेलेंट इनकैंडेसेंट लैंप एंड कैन बी सिग्निफिकेंटली मोर इफिशियंट देन मोस्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यानी जो आपकी एलईडी है ये सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशियंट है एज कंपेयर टू तापदीप्ति लैंप और प्रतिदीप्ति लैंप, यानी इनकैंडेसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप दोनों की अपेक्षा आपकी एलईडी जो है वो ज्यादा इफिशियंट है, यानी कम पावर खपत करती है। द मोस्ट इफिशियंट कॉमर्शियली अवेलेबल एलईडी लैंप्स हैव इफिशियंसीज ऑफ 200 ल्यूमेंस पर वाट, यानी इसकी जो एफिशिएंसी है एलईडी की वो 200 ल्यूमेंस पर वाट की है। कॉमर्शियली एलईडी लैंप्स हैव अ लाइफ स्पान मेनी टाइम्स लॉन्गर देन इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, यानी इसकी जो 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 लाइफ है, जो ड्यूरेबिलिटी है एलईडी की वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप पहले 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, पता लगा लाइट बहुत तेजी से आया, एकदम से फ्यूज हो गई, ठीक है, बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन आपकी एलईडी दो दो तीन तीन साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। सो द लाइफ इज गुड। द लाइट एमिटिंग डायोड लैंप एलईडी लैंप जो आपने देखी हुई, इस तरह की लैंप बाजार में अवेलेबल है, तो एलईडी लैंप। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलईडी, जिसमें दो पिन होती है, एक एनोड बोलते हैं, कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपली ये आपका सेमी कंडक्टर डायोड होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की होती है, जैसे ही इसके अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस से इसमें से फोटोन एमिट होता है। तो ये एपॉक्सी लेंस है, इसके ऊपर एक कोटिंग है, कवरिंग है, वायर बाउंड, ये आपका वायर है इसमें लगा हुआ, रिफ्लेक्टिव कैविटी है, ठीक है, सेमी कंडक्टर डाई है, ठीक है, लीड फ्रेम है, ठीक है, ये पूरा आपका एक एलईडी का कंस्ट्रक्शन है। लाइट एमिटिंग डायोड इज अ डायोड दैट गिव्स विजिबल लाइट व्हेन कनेक्ट इन फॉरवर्ड वाइज। तो जब आप इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं तो इससे एक लाइट जो है वो एमिट होती है, फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपको एलईडी को और डिटेल में जानना है तो आप हमारी लेक्चर सीरीज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस की लेक्चर नंबर 19 में जाएंगे तो यू विल गेट ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक एंड दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी लाइट एमिटिंग डायोड। क्योंकि यहाँ पर तो केवल आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है कि क्या है और ये लाइट के एडवांटेजेस क्या है, वो सब चीज़ देखनी है। वर्किंग अगर इसकी और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप ये लेक्चर 19 रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इट वॉज यूज एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन 1962। सबसे पहले प्रैक्टिकली इसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में 1962 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह यूज किया गया था। इनिशियली एलईडी गिव्स रेड लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है, शुरू में जब ये बनाया गया तो लाल कलर की एलईडी बनाई गई और इसकी जो लाइट थी वो बहुत कम इंटेंसिटी की थी। बट नाउअडेज एडवांस्ड एलईडीज आर अवेलेबल एट डिफरेंट वेवलेंथ्स लाइक विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड हैविंग हाई ब्राइटनेस। अब जो हमारे पास एलईडी अवेलेबल हैं वो काफी एडवांस्ड हैं और उनमें जो लाइट है उस लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो विजिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, तो आपके पावर कंजप्शन कम है और लाइट चमकदार ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है एलईडी का। ये एक डायोड है आप देख रहे हो और इस डायोड से दो एरो हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं, इसका मतलब यह है कि इससे लाइट बाहर निकल रही है, लाइट एमिट हो रही है। इसकी जो वर्किंग है इसमें होता क्या है कि आप पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बनी है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। पी टाइप में जैसे आप जानते हैं इसमें मेजोरिटी में होल्स होते हैं, एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इसमें आप कोई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा टूवर्ड्स दी डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इधर से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव यानी होल्स को रिपेल करेगा टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इस एन टाइप की तरफ। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स आएंगे वो एन टाइप में आकर कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पी टाइप मटेरियल में आके इनके होल्स के साथ में रिकम्बाइन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलकर एक जोड़ी बना लेते हैं और इन दोनों की रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के दौरान इसमें से फोटोन एनर्जी निकलती है जो लाइट की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग है पूरी आप देखना चाहे तो लेक्चर नंबर 19 जरूर देखिएगा आप, उसको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हमने वहां पर विद कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ है। नाउ वी सी दी कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइट्स, सबकी लाइट की कंपेरेटिव स्टडी देखें तो इनकैंडेसेंट लाइट की बात करें तो 8 से 14 ल्यूमेंस पर वाट की इसकी रेंज होती है, यानी 8 से 14 वाट, 8 से 18 वाट पर ल्यूमेंस पर वाट देता है। कलर रेंडरिंग एक्सीलेंट है। कहाँ यूज होता है, घरों में यूज होता है, रेस्टोरेंट, इमरजेंसी लाइट के लिए, और लाइफ लगभग इसकी 1000 घंटे की होती है। उसके बाद दूसरे तरह की लैंप हमने फ्लूरोसेंट लैंप पढ़ी थी जिसमें हमारी जो रेंज है वो 46 से 60 ल्यूमेंस पर वाट की होती है और एवरेज 50 मान लें इसको। कलर रेंडरिंग गुड है इसकी, ऑफिस में, शॉप में, हॉस्पिटल, हाउसेज, इन सब में यूज होता है और इसकी लाइफ जो है 5000 घंटे की है। उसके बाद हमारे पास आया कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप CFL।
इसकी जो रेंज है वो 40 से 70 है, 60 एवरेज है, वेरी गुड कलर रेंडिंग है, होटल्स में, शॉप में, हाउसेज में, ऑफिसेज में 8,000 से 10,000 घंटे इसका लाइफ है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प 44 से 57 50 सेटिस्फैक्ट्री है कलर रेंडरिंग, गैरेज में, पार्किंग में, इंडस्ट्रीज में, इनमें इसका यूज होता है। 5,000 आर इसकी लैंप की लाइफ है। हेलोजन लैंप की बात करें तो 18 से 24 ल्यूमेंस पर वॉट इसकी रेंज होती है, 20 एवरेज है, एक्सीलेंट फ्लड लाइट में, स्टेडियम में, एग्जीबिशन में, इनमें सब में हेलोजन लैंप आपने लगी हुई देखी होंगी। 2,000 से 4,000 घंटे इसकी लाइफ होती है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप 67 से 121 90 सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग है। वेयर हाउस में, स्ट्रीट लाइट में, इनमें ये यूज होती है। इसी तरह से लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप 101 से 175 रेंज है, 150 एवरेज है। कलर रेंडलिंग बैड है इसका, रोडवेज में, टनल्स में, स्ट्रीट लाइटिंग में इनमें यूज होता है। 6,000 से 12,000 घंटे इसकी लाइफ है। मेटल हैलाइड लैंप में बात करें तो 75 से 125 घंटे है। और ल्यूमेंस की बात करें ये 100 ल्यूमेंस पर वॉट गुड। और इंडस्ट्रियल एरिया में, स्पॉट लाइटिंग में, फ्लड लाइटिंग में इनमें यूज होता है। 8,000 घंटे की इसकी लाइफ है। एलईडी लैंप की बात करें तो 30 से 50 रेंज है ल्यूमेंस पर वॉट, 40 वॉट एवरेज है, गुड कलर रेंडिंग है। लाइटिंग डेस्क लैंप, नाइट लैंप, स्पॉट लैंप, सिक्योरिटी लाइट लैंप, उसकी जो लाइफ है वो 40,000 घंटे से लेके 1,00,000 घंटे तक की होती है। यानी देखें एलईडी की लैंप की सबसे ज्यादा लाइफ होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।